हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज निंदी में। मैं आज आप लोग लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। आज का जो मेरा वीडियो है सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ में आप लोग की जो रिक्रूटमेंट निकली हुई है 789 आप लोग को जो इसमें कांस्टेबल की पोस्ट की रहती है, कांस्टेबल की पोस्ट के लिए आप लोग के फिजिकल स्टार्ट हो चुके हैं। 18 जनवरी से आप लोग के फिजिकल चल रहे हैं जो कि 10 मार्च तक आप लोग के चलने वाले हैं। यहाँ पे फिजिकल सफाई कर्मचारी, कुक, वाटर कैरियर, वाशरमैन और इसके अलावा आप लोग की टेबल बॉय की मीन्स यहाँ पे जो है फिजिकल हो रहे हैं। और पूरी जानकारी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ, चाहे आप लोग की इसकी फर्स्ट लिस्ट हो या फिर इसकी हो सेकंड लिस्ट। यहाँ इसकी सेकंड लिस्ट भी आ चुकी है, तो यदि आप लोग को नहीं पता तो सेकंड लिस्ट में आप लोग अपना नाम देखिए, यदि आप लोग के घर पे भी एडमिट कार्ड नहीं आया है। इसके अलावा सभी सेंटरों की जानकारी मैं आप लोग को डेली दे रहा हूँ, जो जो सेंटरों से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इसी क्रम को जारी रखते हुए आज का जो मेरा वीडियो है कैदरपुर गुड़गांव, जी हाँ कैदरपुर गुड़गांव में मैं आप लोग को बता दूं, इसका वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, लेकिन आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कि वहाँ पे फिजिकल दिया और उसके बारे में जानकारी दी है उस एरिया के बारे में, मीन्स जिसका भी वहाँ पे सेंटर पड़ा हो, कैसे आना है, कैसे जाना है, क्या रिस्क है वहाँ पे, ठीक है, किस तरीके से आप लोग को पहुँचना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है आप लोग के लिए। यदि आप लोग का भी सेंटर पड़ा हुआ कैदरपुर गुड़गांव में, किस प्रकार से आप लोग को सेफ्टी रखनी है, जी हाँ वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यदि आप लोगों का सेंटर पड़ा है तो भी सुनिए, नहीं पड़ा है तो भी आप लोग जो है वीडियो देखिए। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, फ्रंट में फोटो मेरी रहेगी लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग में आप लोग को सुनवाने वाला हूँ। हेलो जी सर। हाँ क्या हुआ, आज फिजिकल हो गया तुम्हारा? हाँ जी सर। कौन सा सेंटर था? सर सेंटर था कादरपुर हरियाणा। अच्छा वही गुड़गांव। हाँ जी सर। क्या हो रहा है कैदरपुर गुड़गांव में, मीन तो वहाँ फिजिकल वगैरह चल रहे हैं? जी सर, सर कादरपुर में कुछ ऐसा है कि मतलब जो रात का जो वहाँ इलाका है ना वो बहुत खराब है, मतलब कोई भी ऑटो वाला आने से तुरंत मना कर देता है, कैब अगर बुक करो तो कैब वाले तुरंत ड्यूटी कैंसिल कर देते हैं, मतलब इलाका वो ठीक नहीं है थोड़ा, मतलब स्नैचिंग वगैरह होती है, खराब इलाका है मतलब रात के लिए। तो फिर कैसे किया जाए, मतलब जो बच्चे दूर के हैं वो मतलब, हाँ तो जैसे कोई बच्चे वगैरह आते हैं, कोई पर्सनल कार या बाइक से आता है तो उसके लिए ठीक है, या फिर अगर कोई मेट्रो से आते हैं सेक्टर 55-56 तक, उसके बाद तो ऑटो से आना पड़ेगा उन्हें, आगे 7 किलोमीटर दूर है वहाँ से, या हुडा सिटी सेंटर से 10 किलोमीटर दूर है मेट्रो स्टेशन से। अच्छा अच्छा। तो उनको ऑटो से बहुत परेशानी होगी आने में, सब लोग मना कर देते हैं आने से, मतलब उनको उजाले में ही आना पड़ेगा लगभग 5-6 बजे तक वहाँ पे। मतलब ये है कि या तो शाम को आ जाओ। हाँ जी हाँ जी ठीक है, शाम को आके वहाँ पे स्टे करो, रुको वहाँ पे। जी बिल्कुल। या फिर पहुँचो तो होती है ना। अच्छा, चाय के दुकान वाले हो गए या जूस दुकान वाले, वो अंदर कट्टे वगैरह रखते हैं, वो 100 रुपए लेते हैं अंदर स्टे करने के लिए, रात भर बढ़िया बिल्कुल। अच्छा तो मीन्स अब जैसे मॉर्निंग में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मॉर्निंग में यदि कोई मॉर्निंग में ऑटो वाले नहीं आ रहे क्या? मॉर्निंग में आ रहे हैं सर 5 बजे के बाद। 5 बजे के बाद? हाँ जी। ओके, तुम्हारा कहने का मतलब है कि मतलब नाइट में वहाँ पे ना हो, या तो आप लोग शाम को वहाँ आके स्टे कर लो या फिर आओ तो मॉर्निंग में ही पहुँचो। सर जो सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर का जो रोड है ना पहला, वहाँ पे तो बिल्कुल लाइट ही नहीं लगे हुए, मतलब 2 किलोमीटर तक। अच्छा, बिल्कुल अंधेरा है, और हमारे तो ऑटो में लाइट थी तो उसी वजह से उसी लाइट के सारे धीरे धीरे चलाते चलाते वो आ गए कोहरे में ही। अच्छा, तो तुम्हें किसने बताया मतलब इस तरह के काम होते हैं या कोई मतलब कुछ? सर वो ऑटो वालों ने ही बताया। अच्छा सर, हम पहुंचे थे रात को 11:30 बजे सेक्टर 56-57 वहीं गुड़गांव। अच्छा। मेट्रो से उतरे तो हमने ऑटो वालों से बोला कि हमें ग्रुप सेंटर जाना है सीआरपीएफ कादरपुर, तो वो कादरपुर का नाम सुनते ही सीधा बोल रहे हैं नहीं जाएंगे हम वहाँ। हमने कहा भाई क्यों नहीं जाओगे, कह रहे इलाका ठीक नहीं है, तो हमने कहा भाई ऐसा क्यों, कह रहे कि स्नैचिंग वगैरह होती है ये वो। तो एक ऑटो वाला मिला हमें, वो उसी एरिया का था, ग्रुप सेंटर के पास ही उसका घर था, तो वहीं जा रहा था वो, तो इसने हमें बैठा लिया। Okay. उसने हमें समझाया कि ये इलाका ऐसा है, तुम लोग कहाँ से आए हो? हमने कहा सर हम तो दिल्ली से आए हैं, तो हम लोगों को तो पता नहीं था इस बारे में, तो मैंने सोचा कि मैं ठीक है मैं सर आप लोगों से शेयर कर दूँ सर से, ताकि आप सब लोगों को बता दो कि सही से आना अपना, नहीं, नहीं, दिन के टाइम पे आ जाओ, उजाले में ही, रात के टाइम पे क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मान लो रात में तुम आ रहे हो और तुम्हें कोई साधन ना मिले तो वहाँ पे दिक्कत, हाँ, वो भी दिक्कत है बिल्कुल, और मान लो कोई लेके भी आ जाओ रास्ते में कुछ दिक्कत हो जाए, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल वही। नहीं चलो, ये तो बहुत अच्छी तुमने बात बताई है, मतलब बहुत अच्छी जानकारी दी है। अच्छा तो ये बताओ वहाँ पे रुकने का तो चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम बता रहे हो कि वहाँ पे दुकान वाले देते हैं मतलब किराए पे? हाँ सर, रुकने का कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा, तो आज कुछ वहां पे और कुछ क्या हुआ, मतलब कुछ लिस्ट, मतलब जैसे पुराने बच्चों को बताओ, जैसे पुराना कोई स्टूडेंट पहुंच रहा था वहां पे, कुछ ऐसा देखने को मिला किसी किस डेट को बुला रहे हैं वहां पे? नहीं सर, आज कोई पुराना तो स्टूडेंट आया नहीं था, पर जिनके पास एडमिट कार्ड नहीं था उनकी लिस्ट थी, तो उनका फिजिकल करवाया गया था। अच्छा, मतलब जिनके जिनके पीछे छूट गया था उनका एडमिट फिजिकल कराया गया? नहीं नहीं सर, ऐसा कोई नहीं आया था जिसका छूटा अच्छा हो, अच्छा अच्छा पर मतलब जिनका नाम था, जिनका, जिनका नाम हाँ था। जिनका आज ही के डेट का था, तो वो लोग लिस्ट लेकर आ रखे थे, तो उनका फॉर्म वॉर्म भरवाया गया था बिल्कुल बढ़िया तरीके से, अच्छा, उनका फिजिकल हुआ था। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है वहां पे, मतलब रनिंग वगैरह ठीक ठाक हो रही है, हाइट चेस्ट जी सर वगैरह सब ठीक बिल्कुल, है? आज 50 बच्चों का बैच था, तो उसमें से एक बच्चा बाहर हुआ था, वो बहुत वेट था उसका, लगभग 70 के करीब, तो वो नहीं मार पाया था रेस। अच्छा, रेस नहीं मार पाया, रेस ना मारने की वजह से हाँ बाहर हो गया। हाँ और बाकी सर मतलब 250 में से क्वालिफाइड हुए होंगे लगभग 150 बच्चे। अच्छा, मतलब सर यहाँ पे हाइट और चेस्ट में सर बहुत गंदी तरह भार वगैरह जा रहा है बच्चों को। हाइट वेट का तो मैं तुम्हें बताऊं, देखो हर जगह ही हो रहा है, ठीक है, और ये तो क्या हर सेंटर पे देखने को मिल रहा है, कुछ ही सेंटर ऐसे हैं जो कि बहुत ही, मतलब बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बाकी हाइट में तो कोई किसी को रोक ही नहीं रहा। अगर तुम्हारे जी एक सौ सर, इकहत्तर है तो उसे 70 मान के चलो कि भैया मेरे 70 ही होंगे। सर हमारी तो 170 करेक्ट है, बिल्कुल 170, उन्होंने 166 कर दी वहां पे, अच्छा, फिर मतलब बताओ सर। क्वालिफाई नहीं कर पाए जी तुम? जी सर, मैं आपको फोटो भी भेजूंगा, उसकी जो रिजेक्शन स्लिप है उसकी मैं फोटो भी भेजूंगा आपको। ओहो यार, मैंने तो ये सोचा और कि सर मैं बाप रे, एक आपको ना ITBP का भी भेजूंगा, जहाँ पे मैं क्वालिफाई करके आ रखा हूँ 2 साल पहले। तो तुमने वहां पे ऑब्जेक्शन नहीं लगाया? सर वहाँ कोई बोल नहीं सकता ना, वहाँ सारे ऑफिसर हैं, उनको सामने, उनके सामने बोलो तो वो कहते हैं कि तुम्हारी इसमें इतनी आ रही है हाइट, अब उनसे बहस कैसे कर सकते हैं हम लोग, वो लोग हैं ये CRPF वाले, हम लोग ऐसे बताओ, सिविलियन। 170 से 166 तुम्हारी कर दी, मतलब इतना अंतर, इतना अंतर? जी सर बिल्कुल, सर छाती में भी बच्चों को बहुत बार करा जा रहा है। अच्छा, चेस्ट में भी? हाँ मतलब सर अगर किसी की 170 करेक्ट हाइट है ना, तो हाँ, मतलब उसका तो नहीं होगा, मतलब ये मान लो आप। 170 वाले को नहीं है, ये तो मतलब बहुत जी सर, ज्यादा दिक्कत हो रही है, आज क्या सर बताऊं। बहुत बच्चों को बाहर किया, 250 में से 150 बच्चों को पास किया गया है बस। हाँ, तो वही तो, मैंने जब सुना तो मुझे भी लगा कि इतना झटका, इतने तो बच्चे नहीं हो रहे थे, ये कैसे हो गए भाई, ये तो मतलब जी सर, सर एक कल तो। जो बच्चे जाने वाले होंगे ना, आप उनसे अच्छा, भी अपडेट लीजिएगा, पक्का आपको यही रिपोर्ट मिलेगी दोबारा। हाँ कुछ जी स्टूडेंट हाँ हैं जिनको भी कल जाना है, तो उनसे बातचीत हुई थी मेरी, जी सर, तो चलो ठीक है भाई, तुमने तो बहुत अच्छी जानकारी दी, मतलब। बाकी तो सर डॉक्यूमेंट्स वगैरह का तो सब ठीक है, अगर किसी के पास डोमिसाइल नहीं है तो उसको बनाने के लिए टाइम दिया जा रहा है, बोला कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जमा कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ हाँ, मतलब दिक्कत तुम्हारी जो मेन आ रही है वो हाइट चेस्ट में ही आ रही है। जी सर, हाइट सर मेन हाइट में है, चेस्ट में तो एक बार को हो भी सकता है, पर हाइट में बिल्कुल बहुत टफ। मतलब उन्हें है कि मतलब बिल्कुल हमें 174 175 वाले बच्चे चाहिए बिल्कुल हैं। जी सर बिल्कुल, चलो ठीक है, क्या मतलब नाम है, 173 तक होगा तो हो जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? सर नाम है रोहित। हाँ रोहित, बहुत अच्छी जानकारी थी, पहले तो तुमने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, मतलब बच्चों को बहुत हेल्प होगी, जो मतलब सोच जी रहे हो सर कि हम रात में बिल्कुल चले सर, जाएं भाई, क्योंकि भाई, हमें इतनी प्रॉब्लम हुई थी ना, तो हमें लगा अब किसी और को फेस ना करना पड़ेगा। नहीं, बहुत बहुत अच्छा काम किया तुमने, बहुत अच्छी जी जानकारी सर दी भाई, बच्चे जो भी है अपना शाम को पहुंच जाओ, या फिर अगर है तो फिर वहीं रुक के, मतलब जहां भी गुड़गांव वगैरह जहां भी आप लोग स्टे कर रहे हो, यहां हाँ मत जी आओ, सर, मॉर्निंग में आ जाओ यहाँ पे। हाँ सर बिल्कुल, या तो मॉर्निंग में आ जाओ या फिर आप उसी दिन शाम को आ जाओ, अंधेरा होने से पहले। हाँ हाँ, शाम को आके आप यहाँ पे रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं जी होगी। सर, वहाँ जूस वाले हैं, टेंट वाले हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, चाय वाले हैं, वो लोग अपने अंदर वहाँ पे गद्दे वगैरह रखे हुए हैं, 100 रुपये ले रहे हैं अपना स्टे करने के लिए, बढ़िया। अच्छा, हाँ, तो और सुबह ऐसा हो सुबह, सकता है आजकल जो अभी हाँ जो किसान आंदोलन हुआ, इसकी वजह से भी थोड़ा सा वहां पे ऑटो वाले नहीं आ रहे होंगे। नहीं नहीं सर, इसका कोई फर्क नहीं पड़ा वहाँ पे बिल्कुल, इसका तो अच्छा वहाँ कोई नामो निशान ही नहीं है किसान आंदोलन का। अच्छा बस ये है कि वहां दिक्कत की वजह से लोग आते नहीं है नोट वाले रात में। हाँ जी सर बिल्कुल, चलो ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी दी तुमने भाई, तैयारी करते रहो आगे, जो आगे थैंक यू सर, केस हो, थैंक यू। ठीक है।